लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 5 घंटे की झमाझम बारिश, दिन में आया 1.5 फीट पानी सारनी। शुक्रवार दोपहर बाद सारनी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई, जिससे आसपास के सभी नदी नाले उफान पर रहे। वहीं तवा नदी में बाढ़ आने से सतपुड़ा डैम में महज 5 घंटे में 1.5 फीट जल स्तर बढ़ गया। सुबह से ही बादल छाए थे, लेकिन बारिश का दौर दोपहर 1 बजे के बाद शुरू हुआ, जो शाम तक चलता रहा। शहरी क्षेत्र से ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने से देखते ही देखते नदी नाले उफान गए और अचानक बाढ़ आ गई। इससे तवा नदी पर बन रहे राजा डोर पुल और भटकल नदी पर बन रहे पुल का निर्माण बंद हो गया। दोनों नदियों में बाढ़ इतनी तेज थी कि आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। पहाड़ी नदी नालों का पानी सीधे सतपुड़ा डैम में मिलने से महज 5 घंटे की बरसात में डैम का जल स्तर बढ़कर 1,428.45 फीट हो गया। गौरतलब है कि बरसात से पूर्व जल स्तर घटकर 1,425.45 फीट पर आ पहुंचा था, यानी कि इस सीजन में अब तक सतपुड़ा जलाशय का जल स्तर 3 फीट बढ़ गया। इसमें 1.5 फीट पानी महज 5 घंटे की बरसात में बढ़ा है। गौरतलब है कि सतपुड़ा जलाशय की जल भरण क्षमता 1,433 फीट है। यह जलाशय 2,889 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। मध्य पावर जनरेटिंग कंपनी के आवासों में घुसा पानी सारनी। शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश से सतपुड़ा पावर हाउस सारनी के कई आवासों में पानी घुस गया। गौरतलब है कि पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बीएमएस संगठन द्वारा कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन देकर अवगत कराया था। एक दिन हुई बारिश से कर्मचारियों के आवासों में पानी घुस गया। पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रचार सचिव सुनील सरियाम ने बताया कि 40 से अधिक विद्युत कर्मियों द्वारा एसोसिएशन के पास आवेदन कर आवास सीपेज मारने पर रिपेयरिंग कराने की मांग